हेलो एवरीवन। तो यार यहाँ पे हमारे पास एजुकेशन मिनिस्टर से डायरेक्ट एक बहुत बड़ी अपडेट है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स को लेके, एंड ये क्लियरली दर्शाता है कि गवर्नमेंट का क्या मूड है बोर्ड एग्जाम्स को लेके। उनका कराने का पक्का मूड बन चुका है। अगेन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई लोकल न्यूज़पेपर नहीं कह रहा है, ये कोई यूट्यूबर नहीं कह रहा है, ये सीधा सीधा आर्टिकल आया है सीधा रमेश पोखरियाल जी का लिखा हुआ। भाई आपको मैं इस आर्टिकल का फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक भी मिल जाएगा, बट आप मेन बात समझ लो इस आर्टिकल में क्या कही गई है, क्या ये आर्टिकल कह रहा है। तो इंडियन एक्सप्रेस में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का आर्टिकल आया है, उसमें दो मेन बातें हैं। पहली बात का स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पे आ रहा होगा, यहाँ पे ये कहा गया है रमेश जी के द्वारा कि भाई लास्ट ईयर भी ये कोरोना की सिचुएशन बनी थी, ये कोविड के सर्कमस्टेंसेस बने थे, बट लास्ट ईयर भी हमने इन सर्कमस्टेंसेस में बोर्ड्स भी कंडक्ट कराए थे और 21 लाख स्टूडेंट्स के लिए जेई और नीट भी कंडक्ट करवाया था। तो उन्होंने क्लियरली यहाँ पे ये बोला है कि भैया लास्ट ईयर भी ये चीज हुई थी, लास्ट ईयर भी हमने सक्सेसफुली इस चीज को कंडक्ट कराया था और वो बहुत बड़ा एक हमारे टीम वर्क को दर्शाता था, तो एक सक्सेसफुल टीम वर्क को दर्शाता था। तो भाई उन्होंने कहीं ना कहीं प्रिमेस सेट कर दिया है अपना कि भाई वो क्या कहना चाहते हैं। और आगे आते आते उन्होंने ये बात भी कह दी है, आपके अगेन स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, उन्होंने ये बात भी कह दी है कि भैया ये जो लिमिटेड ऑप्शंस आए हैं हमारे पास आपके लिमिटेड एग्जाम्स कराने के ऑप्शन, मतलब कि या तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि भैया जो हमारा ऑप्शन है कि मेन एग्जाम्स करा लो, छोटे मोटे एडिशनल सब्जेक्ट के मत करवाओ, या फिर 1.5 घंटे का एग्जाम करवा लो, पूरा 3 घंटे का एग्जाम मत करवाओ, तो वो हमें क्लियर नहीं है। बट उन्होंने जो आपके आगे स्क्रीनशॉट है उसमें उन्होंने एक कह रखा है कि भाई हमारे जो लिमिटेड एग्जाम्स के ऑप्शन है इसको हम सोच रहे हैं, एंड सबसे बड़ी बात इन्होंने इसमें क्या कह रखी है कि भाई ये जो अगर हम स्टेप लेंगे तो इससे हर बच्चे को इवैल्यूएशन मिलेगा रादर देन एक पास का सर्टिफिकेट या पास की डिग्री, और उससे उस बच्चे को मिलेगा एक सेल्फ एस्टीम। कहीं ना कहीं कंक्लूजन यही है, एक सेल्फ एस्टीम और एक प्राइड, एक ऑनर कि भैया हमने सिर्फ एक पास सर्टिफिकेट नहीं कमाया, हमने अपनी मेहनत से मार्क्स कमाए हैं। तो अब देखो इस आर्टिकल में ऑल्दो कंफर्म नहीं हुआ, कंफर्म फर्स्ट को ही होगा, बट इस आर्टिकल से एक बहुत क्लियर मैसेज है गवर्नमेंट की तरफ से कि उनका मन बोर्ड एग्जाम्स करवाने का है, जैसे लास्ट ईयर उन्होंने करवाए थे। अब देखो दो चीजें मैं इसमें आप लोगों को ऐड कर देता हूं सीयूसीटी पे आने से पहले। पहली चीज देखो, बहुत लोग आप लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल करो, हम युद्ध करेंगे, हम जंग कर रहे हैं आपके लिए, सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल हो रखी है कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल नहीं होने पर। वो लोग आपको ये नहीं बता रहे कि सुप्रीम कोर्ट में एक और PIL फाइल हो चुकी है जिसमें ये कहा गया है कि बोर्ड एग्जाम होने चाहिए, केरला के टीचर ने जो फाइल करी है PIL, ठीक है। तो जितना बोर्ड एग्जाम के अगेंस्ट में चल रहा है कैंपेन, बोर्ड एग्जाम के फेवर में भी थोड़ा बहुत कैंपेन तो चल ही रहा है। एंड सेकेंडली इससे रिलेटेड एक और मैं आप लोगों को अपडेट दे देता हूं कि भाई आप लोगों का अपडेट नहीं, एक ऑब्जर्वेशन, लास्ट ईयर भी जेई नीट के लिए मुझे नहीं पता आप लोग उस टाइम कितने एक्टिव थे, बट हम लोगों ने बहुत बड़ा एक कैंपेन विटनेस किया था जेई नीट के खिलाफ। बहुत बच्चों ने कहा, बहुत ट्वीट्स हुए, बहुत ट्रेंडिंग हुआ, दुनिया भर के यूट्यूबर्स ने इसे खूब निचोड़ा और खूब बच्चों को कहा कि नहीं होगा नहीं होगा, बट गवर्नमेंट ने एक बार डिसाइड कर लिया तो वो करवाया ही उन्होंने। मैं यहाँ पे अपना कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं देना चाह रहा कि भाई होगा नहीं होगा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैं आप लोगों को बस ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि प्लीज ये जो न्यूज़ हैं, जो न्यूज़ चैनल्स बन चुके हैं, उनके इमोशनल प्ले में आके आप ये ब्लाइंड मत हो जाइए कि हम नहीं होने देंगे, एग्जाम नहीं होगा। लास्ट ईयर भी इस चीज को बहुत नहीं छोड़ा गया था, बट अल्टीमेटली एग्जाम जेई नीट के कंडक्ट करवाए गए थे। इस साल अब हमारा डिसीजन आने का हम वेट करेंगे 1 जून को, एंड जो डिसीजन गवर्नमेंट दे हम उसको फॉर द मोस्ट पार्ट फाइनल ही मान के चलेंगे, और गवर्नमेंट मोस्ट सर्टेनली जुलाई में ही एग्जाम कराएंगे। अभी तक कोरोना डाउन जा रहा है, एंड वो इसी असम्पशन पे ये चीज कह के चल रहे हैं कि भाई कोरोना के केसेस और डाउन, काफी ज्यादा डाउन हो जाएंगे जुलाई में, तो लेट्स सी क्या होता है इसके अराउंड। पहली मेजर अपडेट ये थी, दूसरी मेजर अपडेट सीयूसीटी को भी आई है। जो हमारे DU के वाइस चांसलर हैं PC जोशी, जिन्होंने CUCET के बारे में काफी कमेंट करे हैं, उन्होंने ये भी कमेंट बोला है कि भाई आपका CUCET का अगर बोर्ड के एग्जाम्स नहीं होते हैं तो हमें CUCET तो करवाना ही करवाना पड़ेगा, फिर कोई ऑप्शन बचेगा नहीं कॉलेज में एडमिशन का। बट इसकी कंक्लूजन ये कहीं से कहीं तक नहीं निकलती है कि अगर बोर्ड एग्जाम हुए तो CUCET नहीं होगा, ठीक है। ये मैं आपको अगेन, इसका भी एक आर्टिकल है प्रॉपर, मैं इसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में डाल के दे दूंगा। आपका ये अपडेट है कि भाई उन्होंने ये कह दिया है कि आपका अगर बोर्ड नहीं हो तो हम करवाएंगे, बट इसको कई लोगों ने कंक्लूड कर दिया बोर्ड हो गए तो हम नहीं करवाएंगे।
देखो सीयूसीटी पे अभी क्लैरिफिकेशन नहीं है, डीयू के जो जॉइंट डायरेक्टर है कंप्यूटर सेंटर के, जो कि पूरा एडमिशन पोर्टल बनाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उन्होंने कहा है कि हमें 2 से 3 महीने लगेंगे अगर सीयूसीटी हुआ तो उस पोर्टल को बनाने में, बट इसका भी कंक्लूजन कहीं भी ये नहीं निकल रहा है कि सीयूसीटी नहीं होगा। तो मैं ये बस बताना चाहता हूं कि सीयूसीटी, हाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने, हाँ जामिया मिलिया इस्लामिया जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उन्होंने अपने फॉर्म्स निकाल दिए हैं, बट अभी भी ये मामला सीयूसीटी का थोड़ा खटाई में तो पड़ गया है, बट अभी भी हमारे पास इस पे फाइनल कंफर्मेशन नहीं है कि होगा या नहीं होगा। बट आपको भी पता है मोस्टली जो कॉलेजेस हैं उनमें, टॉप कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए आपको चाहिए ही होते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स, अलग अलग एंट्रेंसेज हैं, आईपी मैट है, डीयू जैट है आपके, बट काफी टॉप कॉलेजेस में 12th की परसेंटेज भी है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए कंक्लूजन यही निकलती है बोर्ड की, तो 1 जून को आ जाएगी, उसके लगभग अगले महीने में हमारी सीयूसीटी की कंफर्मेशन आ जानी चाहिए, और एज अ स्टूडेंट हमारे लिए यही कंक्लूजन निकलती है कि भाई हमें बोर्ड्स की रिवीजन स्टार्ट करनी है और एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन कंटिन्यू अपनी रखनी ही रखनी है। तो इस तरीके से अभी हमारे पास अपडेट्स है, कोई अगर एक्चुअल अपडेट हुई मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, बाकी लेट्स सी 1st को क्या होता है एंड लेट्स सी 31st को सुप्रीम कोर्ट की दोनों PIL की हियरिंग में क्या होता है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।